हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिटनेस वॉकर्स पे। दोस्तों, जो पुशअप है बहुत ही बेसिक और पॉपुलर बॉडी वेट वर्कआउट है, जिसे बिगनर्स, एडवांस, मेल फीमेल सभी करते हैं। जो इसकी टेक्निक है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इफेक्टिव, बट ज्यादातर देखा जाता है कि लोग क्वांटिटी के पीछे भागते हैं, ना कि क्वालिटी के पीछे, जिस चक्कर में पूरी फॉर्म ही बिगड़ जाती है और परफेक्ट पुशअप नहीं करते। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 मेजर पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका जो पुशअप है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा और आप उससे पूरे बेनिफिट ले सकेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लें, और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर ऑन कर दें, और साथ में ही इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर लें। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। अक्सर लोग समझते हैं कि जो पुशअप है वो चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप की ही वर्कआउट है और अपने ग्लूट्स, कोर और लेग्स को बिल्कुल भूल जाते हैं। और उस चक्कर में क्या होता है कि आपका पेट लटक जाता है, ग्लूट्स ऊपर उठ जाते हैं और पैर बिल्कुल ढीले रहते हैं। करना क्या है, इसको ठीक कैसे किया जाएगा? इसमें ग्लूट्स को या पेल्विक को पीछे की तरफ घुमाएंगे, बटक्स को स्क्वीज करेंगे और अपने हील को पीछे की तरफ खींच देंगे। आप एक काम और कर सकते हैं कि मैंने लास्ट एक वीडियो की थी प्लैंक्स कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि प्लैंक एक्चुअली पुशअप की स्टार्टिंग पोजिशन होती है, तो आप उसको भी डिटेल के लिए देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है आर्म की पोजीशनिंग क्या होगी पुशअप में। आर्म की पोजीशनिंग में सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं और बहस भी करते हैं कि आगे होनी चाहिए, पीछे होनी चाहिए या साइड में होनी चाहिए, बट मैं आपको सीरियसली बताऊं तो उसका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि टारगेट के हिसाब से आर्म की पोजीशनिंग चेंज हो जाती है। बट अब यहाँ पे स्टैंडर्ड पुशअप की बात करें तो स्टैंडर्ड पुशअप के अंदर 2 ही चीजें आप याद रखें कि अगर चेस्ट के ज्यादा पास रहेंगे हाथ तो ट्राइसेप पर फोकस होगा, और चेस्ट से दूर जाएंगे तो चेस्ट पर फोकस होगा। अभी मैं मॉडरेटली दो तरफ रखता हूं, बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपके हाथ और कंधे हैं दोनों एक सीध में रहेंगे, और जो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी जो आपको फर्स्ट पॉइंट में बताई वो रहेगी। जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपके पैर से यूज करके थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे, और आपकी जो लोअर चेस्ट है वो हैंड के पास आनी चाहिए, लाइक दिस। इसी में दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप पुशअप करेंगे तो जो आपके एल्बोज पॉइंट करेंगी वो पीछे की तरफ करेंगी, साइड में नहीं। अगर आपने साइड में की तो आपको शोल्डर और एल्बो की इंजरी के पूरे चांस हो सकते हैं। जिम में अक्सर मैं देखता हूं कि लड़कियां कुछ इस तरीके से करती हैं। सच बताऊं तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये एक्सरसाइज है ही कौन सी। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है शोल्डर की पोजिशनिंग। इसमें सबसे ज्यादा लोग गलती करते पाए जाते हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है प्लैंक वाली तो आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि इसमें शोल्डर पोजीशनिंग को मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है। अब क्या करना है, शोल्डर नीचे और पीछे की तरफ रखने हैं। तो अगर मैं आपको दिखाता हूं, इसमें इस तरीके से शोल्डर नहीं रहेंगे और ना ही इस तरीके से रहेंगे और ना ही बिल्कुल नीचे। जब आप नीचे जाते हैं तो आपके दोनों स्कैपुला अंदर जाएंगे, वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ऊपर आने के बाद अगर आपने स्कैपुला को नहीं खोला तो आपको चेस्ट पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, और बहुत ज्यादा खोल दिया तो भी आपको कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, नीचे जाते हुए स्कैपुला को दोनों को एक दूसरे की तरफ लेके आए, और ऊपर आने के बाद हल्का सा स्कैपुला को बाहर की तरफ जाने दें, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें, अदरवाइज आपको चेस्ट पर कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट आप याद रखें, यह है फुल रेंज ऑफ मोशन। मैंने शुरू में ही कहा था कि आप क्वांटिटी पर ध्यान ना दें, क्वालिटी पर ध्यान दें। लोग क्या करते हुए दिखाई देते हैं, ये या फिर ये। आपको फुल रेंज ऑफ मोशन रखनी है। अगर आपको पुशअप के सभी बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको फुल रेंज ऑफ मोशन रखनी पड़ेगी। तो आप क्वांटिटी पर ध्यान ना दें, क्वालिटी पर ध्यान दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5वें पॉइंट की बात करते हैं, ये है ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग हमारी लाइफ के लिए भी जरूरी है और हर एक एक्सरसाइज में भी उतनी ही जरूरी है कि किस तरीके से ली जाए। तो इसमें हमेशा याद रखें, जब भी आप नीचे की ओर जाएंगे तो इनहेल करेंगे, और जब ऊपर आएंगे एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अदरवाइज आपको फटीग महसूस होगा, आप थकावा महसूस करेंगे, और होल्ड कतई नहीं करना है। आप जब भी नीचे जाएं इनहेल करें और ऊपर आने पर एक्सहेल कर दें। तो दोस्तों, आप अगर इन 5 पॉइंट को इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका जो पुशअप है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, और जो इसके एक्चुअली बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए वो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा शेयर करें, बिल्कुल वायरल कर दें।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, और साथ ही इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहीं मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर देता हूं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या क्वेश्चंस हो तो कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करें। बने रहे मेरे साथ ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए, एंड लेट द फिटनेस रॉक।